हेलो फ्रेंड्स एंड उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इस लॉकडाउन के टाइम को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। यहाँ आपके लिए काफ़ी एक सुनहरा अवसर है। जिन लोगों को ट्रेडिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं या काइंड ऑफ उनको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस में कमी थी या उस तरीके से पोटेंशियल अपना रीच नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू हम उनका एडुकेशन, उनका नॉलेज बढ़ाने की यहाँ पे काइंड ऑफ एक जेन्यून कंटेंट उनको यहाँ पे दे रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी काफ़ी जगह आपको सिर्फ टाइम पास नॉलेज या प्रॉफिट एंड लॉस के फ्लैशी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे फोकस हमारा लर्निंग पे ज़्यादा रहता है, राइट। और जो अगर आपको काइंड ऑफ देखना है पूरा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज़ हमने ऑलरेडी लॉन्च, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी फेमस, लोगों को पसंद आ रही है। एंड ये आप 16 कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन पे यहाँ तक हमने प्लेलिस्ट में इंक्लूड किए हैं, और आगे भी अभी 15 कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। 16 to 30 की नेक्स्ट सीरीज़ अभी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट सीखना है अच्छे से, तो आप बेझिझक यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बात दोस्तों, 24 अप्रैल से हमारा प्राइस एक्शन सेशन शुरू हो रहा है नया। एंड वहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टेड है मार्केट को जेन्युइन तरीके से सीखने के लिए, प्रॉपरली एक अच्छे से एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए, तो वो वहाँ पे सीख सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट क्या मार्केट गुरुकुल .com टेस्टिमोनियल्स में जाके हमारे अभी तक क्या क्या रिव्यूज़, क्या फीडबैक मिले हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता है। बहुत जगह आपको रिविजन के लिए लोग पैसा लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक सिंपल वी हैव अ फिलोसॉफी, इफ़ यू डोंट लाइक अस यू कैन टेक योर मनी बैक। क्योंकि काइंड ऑफ यहाँ पे हम लर्निंग पे फोकस रहता है हमारा, और मेन चीज़ ट्रेडिंग, राइट नॉलेज, राइट साइकोलॉजी, राइट एग्जीक्यूशन, ये तीन मंत्रास पे काम करती है। तो ये तीनों पे हमारा मतलब एक एफर्ट होता है कि आपको इन तीनों फील्ड में कोई भी कमी आप में किसी में रहे तो वो आपको डेवलप किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक फैमिली यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इसका भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज जो है 21 अप्रैल है, एंड मार्केट अभी ओपन होने वाला है। कल बैंक निफ्टी ने काइंड ऑफ एक लास्ट हाफ एन आवर में एक आपको सेलिंग वहाँ पे मिली थी काफ़ी ज़्यादा, बट अभी भी डिमांड जोन के ऊपर है। याद रखिएगा, ग्लोबल मार्केट्स आज नेगेटिव है। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो जिस दिन आरबीआई का दिन था, मतलब अगर आप देखिए अराउंड लास्ट फ्राइडे को जो डे था, राइट, 17 अप्रैल, उसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं, राइट, इस डिमांड जोन के नीचे और उसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं, तो सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड जोन के नीचे, अगर उसके नीचे मतलब जो आपका 17 अप्रैल का लो है, उसके नीचे अगर हम ओपन हो जाएंगे, तो काफ़ी फास्ट ज़्यादा बियरिशनेस मार्केट में आपको मिल सकती है। पूरा दिन वो डाउन ट्रेंड में रह सकता है। निफ्टी भी सेम, अभी वही पे जो क्रिटिकल जोन है वही बंद हुआ है, पूरा दिन रेंज बाउंड था। ये इसके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये क्रिटिकल जोन के नीचे ओपन होता है, तो जो फ्राइडे का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ जाएगा, 8700 से 9200 के बीच में। तो 9200 के अंदर और बीच में आ गया, तो वापस वो ट्रेडिंग रेंज के लो तक जा सकता है, और अगर उसको ऊपर चाहिए तो क्रिटिकल जोन के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। क्रिटिकल जोन के बीच में इट इज़ NTZ, मतलब नो ट्रेड जोन आपका, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो फ्राइडे के लो के नीचे अगर ओपन हो रहे हैं, तो मतलब काफ़ी स्ट्रांग बेरिशनेस इनमें आ सकती है। अपोलो हॉस्पिटल्स कल डेफिनेटली एक ट्रेंड में बंद हुआ, बट आप देखिए सप्लाई जोन को वो ब्रीच नहीं कर पाया। सो सप्लाई जोन को ब्रीच नहीं कर पाया, तो काइंड ऑफ आज अगर ये वापस नीचे को ओपन होता है क्रिटिकल जोन को ब्रेक करके, सो इट कैन गिव अ वेरी काइंड ऑफ एक बेरिशनेस आपको मिल सकती है। एंड अगर ये आपका 1400 या उसके 1400 से 1420 के बीच में अगर ये नीचे ओपन हो रहा है, तो इट कैन फॉल काफ़ी क्विकली, ये नीचे गिर सकता है, राइट। तो ये सप्लाई जोन को नहीं ब्रीच कर पाया है कल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ स्टिल नॉट वेरी बुलिश। ये एक ट्रैप होता है, बहुत बार मार्केट थोड़ा प्राइस को सप्लाई जोन या वहाँ पे बंद करवा देता है, ताकि आप वहाँ बाइंग कीजिए रिटेल, और फिर इंस्टीट्यूशंस उनको सेल करके उनको ट्रैप में फंसा लेते हैं। बाटा इंडिया भी
कल डाउन ट्रेंड में था, रेंज मार्केट रेंजिंग था, तो अब ये 1200 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। उसके नीचे अगर आ गया और क्रिटिकल जोन के ब्रेक नहीं कर पाया तो ये ट्रेंड चेन जोन के नीचे आपको 1180 अराउंड जोन तक ही आ सकता है। और 1180 भी अगर इसने ब्रेक कर दिया नीचे के डायरेक्शन में, जो कि एक ट्रेंड चेन जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, तो आपको 2% से 3% का मूव भी काफ़ी स्विफ्ट मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि मार्केट जो है पूरा जो फ्राइडे था उसके नीचे यहाँ पे ओपन हो चुका है। पहली गैप केस में गैप कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो कंसेप्ट ऑफ द डे गैप कैंडल का वहाँ पे देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा गैप केसेस में आपको कैसे ट्रेड करना है। तो वहाँ पे काइंड ऑफ आपने देखा कि अभी भी हायर लो स्ट्रक्चर उस पर बन रहा है, एंड उस हायर लो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे काइंड ऑफ आपको मिल रहा है उसका ब्रेक अगर होगा तो वापस ये नीचे के डायरेक्शन में ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। बट फ्राइडे के लोज मार्केट ने ब्रीच कर दिए है, एंड इट कैन ऑल्सो कम इन कमिंग डेज टिल गैप फिलिंग यहाँ पे एक निफ्टी ने करके इन कमिंग डेज टिल 8700 के जोन तक भी वो पहुँच सकता है। तो सेलर्स कैन गेट एग्रेसिव। बैंक निफ्टी भी अभी वहाँ ही फ्राइडे लो जो बनाया था 19800 वहीं पे रिजेक्शन ले रहा है, राइट। एंड वो रिजेक्शन से वो नीचे वहाँ पे सेलर पुश कर रहे हैं 15 मिनट्स की ओपनिंग कैंडल के नीचे। अभी तक क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है, आपको अगर क्लीन प्राइस एक्शन उसके नीचे अच्छे से ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर ये काफ़ी नीचे जा सकता है, इवन 19000 तक भी रेंज, मतलब मार्केट्स वहाँ पे नीचे जा सकते हैं। तो सेलर्स जो ऊपर का जो दो दिन का रैली था वो टेक्निकल बाउंस उसको हम बोलेंगे, वो बस ट्रैप था रिटेल को क्रिएट ट्रैक करने के लिए, राइट। काफ़ी अच्छे से मार्केट ने उनको ट्रैप किया है। अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे ही 1400 आप देखिए 15 मिनट्स ओपनिंग गैप कैंडल ब्रेक हो गई, उसके बाद 1400 का एक बिग राउंड नंबर ब्रेक हो गया और आप देखिए वहाँ से कितना ज़बरदस्त हमारे मिंटीज़ ने इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया है, एंड काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें बढ़िया सेटअप इवॉल्व हुआ है। एंड इट वॉज काइंड ऑफ ये एक बेनिफिट होता है एक स्टॉक सिलेक्शन का, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया है उसमें सेटअप इवॉल्व होने का वेट कीजिए, पेशेंट रखिए। कभी सेटअप आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में मिलेगा, कभी शायद आपको 10 बजे के बाद मिलेगा, बट डिसिप्लिन से अगर आप काम करोगे तो यहाँ पे आपके लिए पैसे बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ से देखिए ये अभी तक नीचे एकदम बढ़िया जा रहा है, राइट। लोअर हाई स्ट्रक्चर एंड 40 पॉइंट्स के अराउंड मूव इसने दे चुका है। बाटा इंडिया अभी इसमें क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में आपको सेटअप नहीं देगा। हमने बोला है कि अभी आपको ओपनिंग कैंडल के अराउंड बिल्कुल भी टॉप के वहाँ पे उसको विक्स बन रहे हैं, राइट, पूरे विक्स बन रहे हैं वहाँ पे, एंड उसको वहाँ पे कुछ भी क्लीन प्राइस एक्शन नहीं आ रहा है। बट आप वेट कीजिए, राइट, काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है हमें काउंटर ट्रेंड लाइन और वो कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे गाइडलाइन और कैसे रूल से ड्रॉ करनी है। कहीं भी ट्रेंड लाइन नहीं है ड्रॉ करनी है आपको, तो क्लीन मूवमेंट नहीं है, राइट। वी विल वेट फॉर द क्लीन मूवमेंट। अगर ब्रेक करता है नीचे, अगर ट्रेंड चेन जोन 1180 के नीचे अच्छा प्राइस एक्शन आपको मिलता है, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड डे लो, वो वहाँ पे वापस टच कर सकता है। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे जो हमने देखा था बाटा का, आपको यहाँ पे जो बताया गया था पहले ही ऑलरेडी क्लीन था। अगर मार्केट देखिए यहाँ पे कंजेशन जोन का वीडियो नहीं देखा है तो कंसेप्ट ऑफ द डे में जाके वहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कंजेशन जोन में भी हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है कंसेप्ट ऑफ द जोन। अगर आप देखो कंसेप्ट ऑफ द डे नंबर वन, और गैप पे देखना है कंसेप्ट ऑफ द डे नंबर टू, राइट। नंबर टू पे आप यहाँ पे देखिए एंड गैप एंड रिवर्स नंबर 12। तो आपके लिए गैप को समझने के लिए नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 12 कंसेप्ट आप देखिए उसको अच्छे से। कंजेशन जोन्स को समझने के लिए कंसेप्ट ऑफ द डे नंबर 1 देखिए, राइट। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ पे नॉइज बना रहा था, ये क्या है, ट्रेंड चेन जोन के ऊपर नहीं जा रहा है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन है, पूरा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। एंड उसके बाद जो फर्स्ट 15 मिनट्स की जो गैप कैंडल है, राइट, ये जो हमारी 15 मिनट्स की गैप कैंडल थी ये पूरा हाई और लो उसका है, इसके बीच में ही वो पिस रहा था, कोई क्लीन प्राइस एक्शन नहीं थी। अब मार्केट ने यहाँ पे काइंड ऑफ एक हल्का सा काउंटर ट्रेंड बनाया था, राइट, ये जो आपको दिख रहा है काउंटर ट्रेंड। अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब वीकनेस है उसमें, तभी तो ऊपर नहीं जा पा रहा है वो, राइट।
और जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ट्रेंड चेन जोन मतलब आपको यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके बता चुके हैं 1180 के नीचे, जैसे ही वो आया आप देखिए 1180 से 1160 विद इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स आपको रिवॉर्ड मिला। आपने एंटर किया ट्रेड में, आपको लॉस दिखाई नहीं आपके पीएनएल में। वापस अगर ये भी मूव मिस हो गया रिट्रेसमेंट पे, उसने वापस एक आपको यहाँ पे 1186 से 1166 का मूव दे चुका है, एक रिट्रेसमेंट जो हो चुका है उसका। अब बार बार उसको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि अभी आपको जो हम आज देखेंगे स्ट्रक्चर रीडिंग पे कैसे करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा, राइट, बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर रीडिंग। बहुत काफ़ी अलग जो रहता है स्ट्रक्चर रीडिंग एक थोड़ा एग्जॉस्टिव टॉपिक है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी थिंग्स ताकि आपको वहाँ से कुछ चीज़ सीखने को मिले, राइट। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि काइंड ऑफ अभी तक तब जब तक वो मार्केट जो है 1160 में डबल टाइप से उसने टच करके ऊपर नहीं आया, एक डबल बॉटम बनाया नहीं, तब तक यू कुड सी कि वो लोअर हाई स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली बना रहा था आपका, राइट, ये लोअर हाई स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली बना रहा था। तो बाटा जो है, बाटा यहाँ पे काइंड ऑफ आपको बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड दिया है एंड हमारे मेंटीज ने उसको अच्छे से ट्रेड भी किया है। आज का जो जैकपॉट ट्रेड था वन ऑफ द अपोलो हॉस्पिटल्स, क्लीन मूव बिल्कुल भी, इसने काइंड ऑफ हल्का सा यहाँ पे काउंटर एंड बनाया था, राइट। ये डिसीजन जोन आपके इसमें मतलब 1400 का बिग राउंड नंबर ये डिसीजन जोन भी है। फर्स्ट 15 मिनट्स की ओपनिंग कैंडल जो थी इसकी, राइट, तो ये उसका हाई और लो है। अभी हम 5 मिनट्स में देख रहे हैं, 15 मिनट में आपको पहले तीन कैंडल गैप केस है, इसलिए फर्स्ट तीन कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी इसके बाद जो है कि यहाँ पे आपको काउंटर ट्रेंड लाइन बना के इसने इसको ब्रेक कर दिया है और इसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया है बहुत ही बेहतरीन इसने यहाँ पे आपको मूव दिया है आपका। काइंड ऑफ ये होता है एक स्ट्रक्चर में स्टॉक मूव हो रहा है, रैंडमली नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक गैप डाउन उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वापस नीचे ब्रेक डाउन, और ऐसे इसमें अगर आप ट्रेड करोगे, राइट, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप डे लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखिए कैंडल कितनी क्लीन कैंडल, इसको हम प्रोजेक्शन के टर्म्स में वाइड रेंज कैंडल या WRC बोलते हैं, राइट। तो वो हमारे जो कंसेप्ट है फाउंडेशन में ही हम लोग उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ से आप देख रहे हो कि बहुत ही बढ़िया मूव और फास्ट मूव, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स थोड़े वोलेटाइल स्टॉक है तो डेफिनेटली वो मूवमेंट भी बहुत फास्ट देता है, बट अगर आपने उसको रीड अच्छे से किया है, स्ट्रक्चर समझ पाया तो आप कॉन्फिडेंटली उसमें एंटर कर सकते हैं। और जब तक ये लोअर हाई स्ट्रक्चर यहाँ पे काइंड ऑफ वायलेट नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है यहाँ, राइट, और तब तक पूरे दिन ही एक्चुअली इसने वायलेट नहीं किया है, तो तब तक आप काइंड ऑफ पूरे दिन इस ट्रेड में राइड कर सकते हैं। तो ये होता है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से मार्केट को समझने का नतीजा, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी। हमारा मतलब मेन इस चैनल का ये नहीं है कि सिर्फ पीएनएल, जो बाकी लोग हमने यहाँ एंट्री ली वहाँ एंट्री ली पीएनएल दिखाते हैं फ्लैशी, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ उन लोगों का देख के डेस्परेशन में आप गलत ट्रेड्स लोगे और आपकी लर्निंग पे फोकस हट जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल सा है, निफ्टी देखिए पूरा रेंज में लॉक था, हायर लो पैटर्न बनाने दीजिए, उसको ब्रेक होने दीजिए, आपको पता है डाउन साइड है, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल आपने ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे नहीं किया तो उसको एक काइंड ऑफ गैप कैंडल में वो कर रहा है। अगर आपको नहीं ट्रेड वहाँ में, यहाँ पे आपको एक ट्रेड दिया है उसने, वो भी आपको एक अच्छा ट्रेड चाहिए, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली उसने एक ब्रेकडाउन के बाद एक ट्रेड मिला है, यहाँ से भी आपको कुछ रिवॉर्ड मिला है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कीजिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपको बोला था कि फ्राइडे के लोज बहुत इंपॉर्टेंट है और निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा आज थोड़ा गैप डाउन खुला, राइट, एंड जो है फ्राइडे के लो के नीचे ही सीधा गैप डाउन हुआ है, तो इसका बहुत ज़्यादा बियरिशनेस इसमें थी। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ जो फ्राइडे का लो था 1900 वहीं पे उसने रिटेस्ट किया और इसका स्ट्रक्चर भी सेम था, आज मैक्सिमम जगह लोअर हाई स्ट्रक्चर था, कहीं पे भी आपको ग्रीन कैंडल या अच्छे कहीं ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में मिल ही नहीं रहा। तो जब नहीं मिल रहा, यहाँ पे लोग क्यों ट्रैप होते हैं ऐसे मार्केट्स में, क्योंकि वहाँ पे वो लोग काइंड ऑफ बाइंग के लिए देखते हैं सेटअप्स, राइट, अरे डबल बॉटम बन गया, ये सब बन गया, अरे मार्केट के साथ जाइए, इंस्टीट्यूशंस अगर सेल कर रहे हैं, मार्केट अगर वीक है तो बाई क्यों करना है आपको, और वही फंसते और वही आपके पैसा बहुत ज़्यादा जाता है। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड को मत ब्रेक कीजिए, स्ट्रक्चर को समझिए, जो ट्रेंड एक स्ट्रक्चर में चलता है वो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड देगा, कुछ ना कुछ तो देके ही जाएगा, खाली हाथ आप जाओगे नहीं मार्केट से।
राइट, यहाँ पे बिल्कुल हायर लो एंड काइंड ऑफ 19,200 के अराउंड जा चुका है, वहीं पे बंद हो चुका है वो। पर आप देखिए इसमें कहीं भी काइंड ऑफ पूरे दिन इसने जो हायर लो पैटर्न है जैसी एक हल्का सा बनाया था, कैंडल देखे कैसी बन गया विक्स वाली, बिल्कुल क्लीन ब्रेकआउट कहीं भी नहीं है, तो रिवर्सल की तो गुंजाइश ही नहीं है। आप रिवर्सल तो ट्रेड आप कहीं पे कर रहे हो तो वो स्काल्पिंग कीजिए, बट आप एग्रेसिव रिवर्सल बाय साइड ट्रेड अगर करोगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे हमने जो है पर्सनल, हमने काफ़ी आज कॉल सेलिंग में हमारे मिंटीज ने काफ़ी वहाँ पे अर्न किया है जो ऑप्शंस के थ्रू हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया है, एंड जो बाकी के भी लोग हैं यहाँ पे अब वो काइंड बाकी उनके स्टॉक्स उन्होंने BPCL और ये जो हमारे अपोलो हॉस्पिटल्स और बाटा इंडिया में उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया है, राइट। सो आते हैं आज परफॉर्मेंस पे, आते हैं कंसेप्ट ऑफ द डे। हम स्ट्रक्चर रीडिंग पे जाने से पहले हम परफॉर्मेंस देखते हैं, तो काइंड ऑफ यू कैन सी बोनो अपोलो हॉस्पिटल्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था एंड उसने काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया है, एंड दोनों स्टॉक्स मतलब काइंड सिंपल थे ट्रेडिंग के लिए, आपको सिर्फ सेटअप का वेट करना है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने सेटअप जल्दी दे दिया, एकदम पूरा सिंक में मूव हो रहा था। बाटा इंडिया आपको थोड़ा टाइम बाद मिला, 10:30-11 बजे के बाद आपको वहाँ पे सेटअप मिला है। तो समटाइम्स वही चीज़ है, सेटअप किसी स्टॉक्स में जल्दी इवॉल्व होता है, किसी में आपको थोड़ा 1-2 घंटे बाद इवॉल्व होगा, बट जब मिलता है आपको वो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो आपको वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू शुड वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे हमारे मेंटीज के भी अगर हम देखेंगे तो मेंटीज का भी यहाँ पे काइंड ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा है परफॉर्मेंस, तो इन्होंने निफ्टी में किया था ऑप्शंस में, एंड काइंड ऑफ ही ऑल्सो पुट ऑप्शंस काफ़ी स्मूथ ट्रेंड था तो वहाँ पे उनको अच्छा मिला है। अनदर यहाँ पे बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस में भी ही डिड वेल, एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉल ऑप्शन में यहाँ पे रिवर्सल स्काल्पिंग भी की तो वहाँ पे भी उनको वहाँ पे रिवॉर्ड मिला है, राइट। एंड ये काइंड ऑफ अ बिगनर मतलब स्टार्ट कर रहे हैं विथ उनका सीख रहे हैं अभी, तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स अभी वहाँ पे दे, वही इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टम फॉलो कीजिए, P&L स्टेटमेंट आपका इतना मैटर नहीं करता। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर में ऑन द सेल साइड इट ट्रेडेड इन द मॉर्निंग, एंड यहाँ पे जो है अपोलो हॉस्पिटल्स, बाटा इंडिया एंड चोला फिनेंस जो मोमेंटम स्टॉक था तो यहाँ पे इन्होंने ट्रेड किया है एंड काफ़ी बढ़िया ट्रेंड मिला था। एंड उनका परफॉर्मेंस जो है अपोलो एंड बाटा में जो प्री ओपन स्टॉक्स ऑलरेडी हमने शेयर किए थे काफ़ी बढ़िया रहा है, राइट। सो ये परफॉर्मेंस भी आप हमारे चैनल पे यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अब जो कंसेप्ट ऑफ द डे है कि जो स्ट्रक्चर रीडिंग होता है उस पर हम आज एक वीडियो में कवर करना डिफिकल्ट है, बट हम थोड़ा सा उसमें वी विल ट्राई टू थ्रो अ लाइट। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, अब आप देखिए कोई भी एक चीज़ है, अब स्ट्रक्चर जो होता है मीन्स इट इज़ मूविंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, राइट। तो सिस्टमैटिक मैनर में अगर वो मूव हो रहा है तो तभी उसमें स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर सिस्टमैटिकनेस नहीं है, रैंडमनेस है तो स्ट्रक्चर नहीं रहता है, राइट। तो स्ट्रक्चर की ये बेसिक डेफिनेशन होती है। तो कोई भी चीज़ अगर हमने देखा आज अपोलो हॉस्पिटल तो इट वॉज कंटिन्यूसली मेकिंग अ लोअर हाई पैटर्न, राइट, लोअर हाई पैटर्न। और ये जो लोअर हाई पैटर्न में अगर वहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल अच्छे से मिलता है वहाँ पे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड अच्छे से देगा। बट आप समझ लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है, राइट, कोई ऐसा स्टॉक है कि जो आपको काइंड ऑफ इट इज गिविंग लेट से इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे भले ही ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और वो ब्रेकआउट कभी चल भी जाए बट आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो है सिस्टमैटिकनेस नहीं है। तो ऐसा स्टॉक भले ही आपको कितना भी अच्छा लगे आप इनमें ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत बार ये 3-4 बार फेक ब्रेकआउट देने के बाद ये मूव होगा, तो उसको मूव होने दीजिए, थोड़ा एक अच्छे से 2-3 कैंडल्स बनने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए, फिर आप आपके एंट्रीज देख सकते हैं। तो काइंड ऑफ पहले ऐसे जब भी एक बहुत बार आपको जब रेंजिंग मार्केट होता है तो ऐसे रेंज के बीच में आपको काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है कि जहाँ पे बहुत वॉलीटिलिटी होती है एंड मार्केट जो है बहुत बार रेंज ब्रेकआउट करने के बाद लोग इस रेंज ब्रेकआउट कैंडल के नीचे SL रखते हैं, यहाँ पे मार्केट आपका SL हिट करके ऊपर भाग जाता है, राइट। सो ऑलवेज अगर आप किसी भी चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें सिस्टमैटिकनेस होनी चाहिए। आइदर यहाँ पे दो चीज़, अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर या तो ये
हायर लो आपका पैटर्न बोलता है बनता है, राइट। इसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो कि हम बोलते हैं अप ट्रेंड उसमें होता है, राइट। या तो जो पैटर्न है आपका काइंड ऑफ ये लोअर हाई पैटर्न है आपका, राइट, इसमें हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड आपका, राइट। तो ये जो हो गया अप ट्रेंड आपका, ये हो गया डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है रेंजिंग मार्केट। तो रेंजिंग मार्केट या इस टाइप के जो अनस्ट्रक्चर्ड मूव कभी कभी आते हैं, जो जनरली ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, जैसे बायोकॉन हो गया, काइंड ऑफ कभी कभी एस्कॉट्स, ग्रैन्यूल्स, राइट, जस्ट डायल, उनमें कभी कभी आपको इस टाइप से वोलेटिलिटी मिलती है, स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो आपका कभी भी आपके देखिए कभी आपके लॉसेस हुए होंगे, तो काइंड ऑफ आप देखिए कि आप या तो स्ट्रक्चर को नहीं पकड़ पा रहे, जैसे हायर लो पैटर्न कंटिन्यूसली बना रहा है और आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तब आप ट्रैप हुए होंगे। लोअर हाई पैटर्न में आप अगर बाय कर रहे हैं तब आप ट्रैप किए हुए होंगे, राइट, और वहाँ पे आपको लॉस होगा। या रेंजिंग मार्केट में आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं, राइट, मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं तब आप वहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो ये चीज़ याद रखिए कि जब तक आप स्ट्रक्चर रीडिंग नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आपको मार्केट में काइंड ऑफ यू कैन नॉट इन अ वे अंडरस्टैंड कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट ने आज बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रक्चर रीडिंग एक इसमें की है, और प्रोजेक्शन का वो फंडामेंटल होता है हमारा एंट्री सिस्टम जो है। वो मैं यहाँ पे आपको इन अ वे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेल इन वन सेशन, बट एक काइंड ऑफ किसी भी चीज़ को आप समझने के लिए, प्रोजेक्शन या किसी भी मार्केट को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक काइंड ऑफ पूरा दिन लोअर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हमें बाइंग का तो सोचना ही नहीं है, भूल जाइए, आपको दिमाग से निकाल लेना है। और ये लोअर हाई स्ट्रक्चर में जहाँ पे भी आपको देखिए सेल साइड आपको सिग्नल्स मिले हैं, वो बढ़िया आपको उसने रिवॉर्ड दिया है, और यहाँ पे उसने ब्रेक किया है लोअर हाई स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर आपको सेल नहीं देखना है, वापस आपको एक काइंड ऑफ देखिए स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा इवॉल्व हो रहा है। बट कैंडल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है, ये देखिए विक्स वाली कैंडल है बाइंग साइड में भी, तो यहाँ पे आपको बायर दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस बायर्स में है ही नहीं, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशल है। एक और चीज़ यहाँ पे ये देखिए, ये काइंड ऑफ एक रेंज बाउंड मूव यहाँ पे है, तो ये रेंज से निकलने का आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये रेंज से निकला यहाँ पे, राइट, 15 मिनट्स हो गया कैंडल गया, थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ उसने एक रिट्रेसमेंट दिया है, बट लोअर हाई स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, राइट। बहुत बार क्या लोग यहाँ पे करते हैं, ब्रेकडाउन हो गया रेंज से, वो यहाँ पे कैंडल के ऊपर यहाँ पे एसएल रख दिया होगा, और ये जो है आपका कैंडल के ऊपर अगर आपने एसएल यहाँ पे रख दिया है, इस कैंडल के ऊपर जो एसएल रख देते हैं, मार्केट उनका एसएल यहाँ पे हिट कर देता है और वो नीचे जाता है, क्योंकि ये चीज़ है कि वो लोअर हाई है बट ये सिर्फ एक वोलेटिलिटी है, राइट। तो ये जो है बहुत लोगों ने, जिस कैंडल ने जो इसका लो ब्रेक किया है इस रेंज का, मार्केट सिर्फ उनका एसएल हिट करने गया है यहाँ पे, उनका एसएल हिट करने के बाद आपको डायरेक्शन मिली है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो, ये एक जोन है उसका, यहाँ से यहाँ तक लास्ट लोअर हाई ये है, राइट। मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो ये जो लास्ट रेंज का लोअर हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, या तो फिर आप मार्केट नीचे जब जा रहा है उसको एक रिट्रेसमेंट लेने दीजिए, और वापस जब नीचे ब्रेक कर रहा है तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, राइट। बट लोअर हाई स्ट्रक्चर जब तक इंटैक्ट है आपको बाइंग तो देखनी ही नहीं है, आपको वहाँ पे सेलिंग साइड ही देखना है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया वापस एक काइंड ऑफ अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे एंट्री, तो आपको अगर इनिशियल एंट्री ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रहना चाहिए। बाद में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो एक लोअर हाई इसने कंफर्म कर दिया है, वापस नीचे जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस या अपडेट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आनी चाहिए, राइट। तो यही था आज के लिए स्ट्रक्चर रीडिंग के, इस पे जो आपको बताना चाह रहा था। चार्ट्स आप देखिए, आपको चार्ट्स ऑलरेडी अपोलो हॉस्पिटल्स एंड बाटा के हम दिखा चुके हैं, तो वहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, राइट। एंड अगेन आई वुड से जो प्रोजेक्शन का हमारी जो प्रोग्राम है 24th अप्रैल से इट इज़ स्टार्टिंग, सो दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न इट इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर, राइट, तो दे कैन आप वहाँ पे यू कैन रजिस्टर फॉर इट, यू कैन गो। अगर आपको लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको अवेलेबल है, राइट। एंड वी टेक लिमिटेड इनटेक हमारा यहाँ पे होता है, बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन एवरीबॉडी, ऑन इंडिविजुअल, एंड दैट इज़ द रीज़न जो यहाँ पे हमारे फैमिली में जो एक काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग जो होता है, ये आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा। तो नॉलेज शेयरिंग सिर्फ हमारे सेशंस नहीं होता है, इट्स अ लाइफ टाइम आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एक
आपको एक सपोर्ट मिलता है। और बहुत सारे हैं जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो खुद भी अपनी तरह से यहाँ पे लोगों को हेल्प करते हैं, तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो हमेशा आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके बहुत जल्दी आप वहाँ पे उस पर वर्क कर सकते हैं। तो टेस्टिमोनियल्स आपको देखना है तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सारी लिंक्स हमने दे रखी है। तो इसी के साथ आई विल एंड द वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि आज आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ द डे जो प्लेलिस्ट है वो जाके ज़रूर देखिए अगर आप सीरियस है ट्रेडिंग के लिए, राइट। एंड आप अभी आज नंबर 17 है और 13 कंसेप्ट ऑफ द डे 16:30 की सीरीज हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे तब तक। तो देखिए इसे ज़रूर और अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए।